लाओ उसे, लाओ कर रहा हूँ, लेके बोन लेके आ जाएगा, मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ बात नहीं, अभी क्या कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हम, बुलाया सर, मैं बंदा नहीं कर रहा कुछ, फिर बता दूँगा ना, फिर बताओ। अच्छा टाइटल मिस्टर मदर वेरी इंटरेस्टिंग था, जो मैंने फील किया वो मैंने कर दिया। अब आप लोग क्या फील करते हैं वो देख के बताइए। जब ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब आया था कि ये किरदार आपका है, मिस्टर मदर बनना है आपको, तब आपके माइंड में क्या क्या? ऑब्वियसली अगर किसी को, किसी लड़के को बोलेगे कि आपको प्रेग्नेंट होना है तो दिमाग तो घूमेगा ही। लेकिन फिर भी मेरी टीम का सपोर्ट था, पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरी को स्टार ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। और हाँ कि मेल प्रेगनेंसी सुनने में अजीब लगता है और करने में उससे ज़्यादा अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश की करने की। काफ़ी दिक्कतें आती है जब मेल फीमेल प्रेग्नेंट होती है। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स का सर्वे किया था मैंने, और काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेन से मिला था उस टाइम पे। और वो जो उनका जो चलने का स्टाइल होता है एक बच्चे को पेट में लेके, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं भी डमी पेट लेके चलता था, काफ़ी वेट था उसका, मैंने फील किया कि हाँ वुमेन को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। हाँ बिल्कुल कर पाएगी, कैसे कर पाएगी? अमूमन हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि बस महिला ही पेट से होती है, हाँ फॉरेन में होता होगा, देश में होता होगा, नहीं वैसे कहीं पर नहीं होता ऐसा। फॉरेन बहुत है वो, हाँ 2007 का एक केस था, लेकिन मेरे ख्याल से वो शायद कोई फीमेल थी जो मेल हुई थी, लेकिन मेल प्रेग्नेंट नहीं हुआ था। आप लीड कर रहे हैं, लेकिन क्या देखने को मिलेगा ऑडियंस को जब मैं मिस्टर मदर की बात करता हूँ या मैं आपके किरदार की बात करता हूँ, कितने शेड होंगे? मेरा करेक्टर, मैं काफ़ी ज़्यादा फिल्म में ड्रग्स लेता हूँ, प्रोस्टिट्यूशन में डूबा हुआ हूँ, फिर एक औरत की बात मेरे दिल पर लग जाती है कि मैं कभी कोई मर्द किसी औरत का पेन नहीं फील कर सकता, बस उसी चीज़ जो बात दिल पे लगती है, बस उसी चीज़ को दिल से लगा के मैं प्रेग्नेंट होने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में वुमेन का पेन क्या होता है। एक्चुअली ये जो मैंने मूवी का टाइटल सुना मिस्टर मदर, तो मुझे लगा इट्स वेरी यूनिक काइंड ऑफ टाइटल, तो मुझे इसमें वर्क करना चाहिए। दैट्स व्हाई एज अ लीड, लीड की मैं गर्लफ्रेंड हूँ एक्चुअली एट दैट टाइम। वो तो जब आप देखेंगे मूवी तो आपको श्योरली पता चल जाएगा। इसमें मेरा कैरेक्टर बहुत ही, मैं पॉजिटिव अपने बॉयफ्रेंड को लेके और उसे बहुत लव करती हूँ, इसके आगे फिर आप देख सकते हो मूवी में। एक्चुअली इस मूवी में मैं सुसाइड कर लेती हूँ, तो आई एम नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। ओके सॉरी, म्यूजिक, हाँ हाँ जी, मैंने एक रोमांटिक सॉन्ग किया हुआ है इसमें, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऑब्वियसली किया है, तो रोमांटिक जैसे अदर कपल्स करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंस होगा। तो अब मूवीज एक्चुअली सपोर्ट से ही चलती है, तो मैं उन सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी जो मेरी मूवी के सपोर्ट में आए हैं, एंड थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। इस फिल्म के बारे में मतलब यू नो, ये मुझे लगता है अभी तक इस टाइप के फिल्म्स अभी तक आया नहीं हुआ इंडस्ट्री में, एंड इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, और ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज होगा कि मदर ऑलवेज हम लोग जो समझते एक औरत ही माँ बन सकती है, बट एक आदमी माँ, मतलब ये एक सबके लिए कुछ नया चीज़ है। तो मुझे लगता है इस फिल्म में कुछ ऐसा है जो समथिंग डिफरेंट, एंड ये फिल्म देखने के बाद और एक सबको पता चलेगा कि शायद ऐसा भी होता है। तो मेरे लिए इस फिल्म का एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है, एंड इट्स अ रियली
एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओके, टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर इन द फिल्म, क्या किरदार निभाते नजर आएंगे? इसमें मैंने जो इसमें एक्चुअली मैं इसके मतलब जो मिस्टर मदर है तो उसके रियल लाइफ में मैं आती हूँ और फिर हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो लेडीज़ की दो कैरेक्टर है, तो एक किसी और ने एक निभाया जो फ्लैशबैक में आती है और मैं उसके साथ लिव इन में रहती हूँ। तो इसमें मेरा यही है कि वो मेरे साथ रहता है, फिर एक टाइम उसको रियलाइज़ होता है मैं उसको ऐसा कुछ अभी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी बट ऐसा होता है उसको रियलाइज़ होता है, गिल्टी फील होता है, फिर फिल्म की जो एक स्टोरी में चेंज, तो वो चीज़ है कहानी में ट्विस्ट। वेरी गुड रियली, एंड ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव और हम दोनों ने बहुत ही कंफर्टेबली काम किया है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस एक अलग ही है। तो पहले शुरू में तो ऐसा लग रहा था वो गॉड कैसे सीन्स देंगे कैसे, बट ही इज़ लाइक वेरी कोऑपरेटिव एंड गुड एक्टर, तो इसीलिए काम करने में और आसान हो गया। ओके, अगर मैं फिल्म की बात करता हूँ, यू नो लैंग्वेज पर कितनी पकड़ रही है और डायरेक्टर का क्या ब्रीफ रहा है जब हम एक खड़ी लैंग्वेज की बात करते हैं, मुंबईया लैंग्वेज की बात करते हैं, यू नो जिस तरह से तू सुनता नहीं है तेरे को बोले तो ना पन, उस पे क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का और आप क्या आप उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करती नजर आएंगी और अगर आ रही हैं तो क्यों? क्योंकि कैरेक्टर डिमांड्स है उसमें, मतलब ये है कि वो कैरेक्टर ही मैंने जो प्ले किया है इट्स नॉट नॉर्मल गर्ल, तो एक अलग ही किरदार है। तो उसको जब डायरेक्टर्स हमें डायरेक्शन देते हैं और हम आर्टिस्ट हैं तो हमारा एक ये यू नो क्या बोले ये हमारा धर्म बोल सकते हैं कि उनका बात फॉलो करना, तो वो हमें मोटिव करते हैं मोटिवेशंस और वो हमें डायरेक्ट करते कि नहीं ये सीन्स ऐसे नहीं करना है ऐसे करना है। तो कई कई जगह पे रफ लैंग्वेजेस है, कई कई जगह पे मुंबई है जो आपने बताया, तो जहाँ जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हमने किया है। चमेली की अगर हम करीना कपूर की एक रिसेंट फिल्म देखें, वेयर शी प्लेड अ प्रोस्टिट्यूट इन द फिल्म, यस यस, और उनकी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं उस बात को दर्शाती है। हालांकि आप इंटरव्यू के दौरान आपने हमेशा ये मेंटेन रखा कि यू आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप विद द कैरेक्टर, यस, बट डू यू प्लेइंग अ प्रोस्टिट्यूट इन द फिल्म? यस यस। टेल अस, प्रोस्टिट्यूट आप प्ले कर रहे हैं तो क्या क्या आपने रेफरेंस लिए, किसी एक्टर के रेफरेंस लिए या आपने विजिट किया? एक्चुअली रियली फर्स्ट टाइम मेरे लिए ये जो कैरेक्टर है एकदम डिफरेंट है, तो उस कैरेक्टर में जाने के लिए डेफिनेटली मैंने काफ़ी फिल्में देखी हूँ, पुरानी फिल्में जैसे बाजार एंड देन करीना कपूर की चमेली एंड और भी कितने सारे मूवीज़ है जो हमारे एक्टर्स ने परफॉर्म किया, तो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्वियसली इंसान देख के और उन सीख मतलब ऐसे तो कोई सीख के नहीं आता है, हम देख के ही सीखते हैं, तो मैं वो सब चीज़ों को काफ़ी यू नो एब्जॉर्ब किया और मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा रखना है कि लगना नहीं चाहिए कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, बट स्टोरी की डिमांड जो है मुझे उस हिसाब से किरदार को लेके जाना पड़ा और डायरेक्टर्स काफ़ी हेल्पफुल है, उन्होंने हमें बताया तो मेरे लिए और आसान हो गया। आई थिंक सी ऑल फिल्म सबकी एक अलग अलग शेड होती है, बट इस फिल्म में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इसका टाइटल और सुन के ही मतलब यू नो सरप्राइज्ड कि मिस्टर मदर, तो एक जो इसका टाइटल है इसमें एक चीज़ अलग ही चीज़ रहती है कि समथिंग न्यू, और देखने के बाद तो ऑब्वियसली कुछ एक अलग ही आएगा कि क्या हमें लाइफ में करना चाहिए, वो सब चीज़ें तो है ही, वो देखने के बाद और क्लियर हो जाएगा। क्यों मैडम? मिस्टर मदर अपने आप में टाइटल ही बहुत अप्रोचिंग और अपीलिंग लगता है, जाना चाहूंगा क्या फिल्म है? एक्चुअली इट्स अ मूवी अबाउट एक्चुअली इट्स अ मूवी ऑन मेल प्रेगनेंसी, जिसमें एक लड़का प्रेग्नेंट होता है, बट इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द रियलिटी
और इसमें ये एक्चुअली ये नहीं बोलूंगा कि सब कुछ इस मूवी का मेल प्रेगनेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, इस मूवी में बाकी भी बहुत कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत से शेड्स हैं, बहुत से तरीके से नए तरीके से हमने पेश करने की कोशिश की है। आज तक मेल प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत सी मूवीज बनी लेकिन जितनी भी मूवीज थी सभी कॉमेडी बेस्ड थी, सभी कॉमेडीज थी, बट ये हमारी मूवी फुल फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम ये एक डार्क मूवी है और इंटरटेनिंग है। एक्चुअली स्टारकास्ट हमें एक लीड एक्टर चाहिए था जो जिसका काफ़ी इंटेंस कैरेक्टर था, इंटेंस कैरेक्टर में उसे वेट यूज करना था अराउंड 20 kg। इस मूवी में हमने कैरेक्टर का जो दिखाया है उस कैरेक्टर में हमने दिखाया कि वो कैरेक्टर फर्स्ट हाफ में जो इनिशियल पार्ट है मूवी में उसमें ड्रग एडिक्ट होता है, उसका वेट अराउंड 50-51 kg होता है, बट ऑन द फ्लैशबैक वही कैरेक्टर वही लड़का अराउंड 70-75 kg का होता है। तो इस वेट गैप को मेंटेन करने के लिए हमें एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो एक्टिंग भी बहुत अच्छा करे और प्लस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके, तो गैब्रियल ने ये प्ले किया। ओके, मेल प्रेगनेंसी जैसे आप बोलते हैं और जब हम इंडियन की बात करते हैं एक अलग सोच है इंडियंस की, मेल प्रेगनेंसी को लेकर कितना आपको लगता है कितना इस बात को कबूल करा जाएगा? एक्चुअली मेल प्रेगनेंसी में हमारा बताने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि लेडीज या फीमेल्स जो फील करती हैं प्रेगनेंसी को ये करके या फिर उनकी जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी उसको सही तरीके से समझती नहीं है, अगर तो हमने इससे एक तरह से ये दर्शाने की कोशिश की है कि अगर कोई लड़का किसी औरत के फीलिंग को या उसके पेन को समझ पाए तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो हमारे वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम्स होते हैं या रेप होते हैं या कुछ भी वो सब कुछ बंद हो जाएंगे। या इट्स कैरिंग अ मैसेज रहेगी बट द मेन थिंग इज कि इसमें और भी इंटरटेनमेंट भी बहुत कुछ है, नया नए फ्लेवर्स भी बहुत कुछ है जो आपको देखने के बाद पता चलेगा। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, अब ये कैसा लगा ऑडियंस को वो ऑडियंस देख के डिसाइड करे। एक्चुअली इस मूवी में टोटली 4 गाने हैं, 3 मूवी के अंदर गाने हैं जो नॉर्मली, और एक गाना ये होता है आइटम सॉन्ग है और एक इसमें छोटा सा सॉन्ग है जो 5वां गाना है जो गाना हमारे एक पर्टिकुलर सीन में बैकग्राउंड में बजता है। ओके, आप ही सवाल पूछना चाहूंगा, ऑडियंस अगर मिस्टर मदर देखने आती है तो उन्हें मनोरंजन के नाम पे क्या मिलेगा और व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म? एक्चुअली जब ऑडियंस मूवी देखने आती है तो मनोरंजन के पार्ट से तो उन्हें मिलता है कि एक इंटरटेनमेंट है, डांस है, सॉन्ग्स है, बट द जो मेन थिंग है कि कॉन्सेप्ट मूवी का, हमारे मूवी में शाहरुख सलमान ये सब स्टार नहीं है, हमारे मूवी का मेन स्टार हमारे मूवी का कॉन्सेप्ट है। सही है। Okay.